हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे चीपेस्ट नॉच वाले फोन का। और ये जो फोन है ये है एलिफोन का A4, जो यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट नॉच वाला फोन है, जो आपको सिर्फ 7600 रुपए के आसपास जो वो मिलता है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूं, आप वहां पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी परचेस करने की प्लानिंग मत करना जब तक आप ये पूरा वीडियो जो वो नहीं देखते। यहाँ पे इस फोन की बहुत अच्छी चीज आपको खासियत देखने को मिलती है, लेकिन जो नॉच है मेरे सबसे बहुत ही भद्दा सा नॉच है, बहुत ही बड़ा सा और अजीब लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन फोन की बिल्ड बहुत ही प्रीमियम आपको मिलती है, साथ में आपको राइट में यहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और इसके अंदर आप लोगों को एक ठीक प्रोसेसर मिलता है MT6739 वाला, जो डुअल 4G मल्टी वाला प्रोसेसर है, जो ठीक है अपने प्राइसिंग के हिसाब से। लेकिन काफी सारी चीजें तो बहुत ही बुरी, जैसे कि इसका एक नॉच और इसका कैमरा। और ये जो फोन है मैं अभी आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता, बस आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूं कि वर्ल्ड के चीपेस्ट नॉच वाले फोन कैसे होते हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो ज्यादा नहीं वेस्ट करते हैं और फटाफट से यहां पे इसकी अनबॉक्सिंग जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स से सारी चीजों को पहले से जो वो बाहर निकाल दिया हो, और उससे पहले मैं आप लोगों को उसकी स्पेसिफिकेशन बता दूं। तो इस फोन में आप देखेंगे यहाँ पे बॉक्स के पीछे दिखाया गया है MT6739 वाला आपको जो वो प्रोसेसर मिलता है MediaTek का, डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, 3GB की आपको रैम मिलती है, 16GB की आपको स्टोरेज मिलती है, 5MP का सेल्फी है तो 8MP का आपको रियर कैमरा मिलता है, आपको 3000mAh की बैटरी मिलती है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले आप देखेंगे 5.85 इंच की आपको HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है, एक नॉच के साथ मिलता है और एंड्रॉइड 8.1 मिलता है। आपको सब कुछ अच्छा मिलता है, नो डाउट इस प्राइस में सब कुछ सही है। 16GB जो आपको यहाँ पे 32GB मिलती है तो सही रहता था। और यहाँ पे कंटेंट की बात करते हो तो आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिल जाती है, और साथ में आपको यहाँ पे एक ये सिम इजेक्टर पिन, उसके बाद आपको यहाँ पे एक चार्जर 5W 2A वाला, एक नॉर्मल माइक्रो USB केबल मिलता है, एक बैक केस मिलता है और यहाँ पे उल्टा रखा था मैंने फोन, और कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। फोन की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कमाल की, आपको ग्लास पैक मिलता है और आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से आपको जो वो सराउंडिंग मिलती है, जो एक मेटल आपको डिजाइन देखने को मिलती है, जो बहुत ही कमाल का फोन है। बिल्ड क्वालिटी मुझे नहीं लगता कि यार इस प्राइस में आपको कोई भी कंपनी इस तरीके की बिल्ड देती है जो उन्होंने यहाँ पे आपको दिया है, तो इसमें कोई भी शक नहीं है और इसमें तो हम इसमें कोई बुराई करने की जरूरत नहीं है। और फोन आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इसको पहले से ही बूट कर दिया था, तो उसको मैं ऑन करता हूँ। और पावर बटन की डिजाइन आप देखेंगे काफी अच्छी, आपको यहाँ पे छोटी सी देखने को मिलती है और उसके ऊपर वॉल्यूम बटन देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट, स्पीकर आउटपुट और माइक होल मिलता है। लेफ्ट में आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिलता है, एक हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको मिलता है, ऊपर की तरफ 3.5 ऑडियो जैक, पीछे की तरफ ये सिंगल कैमरा है, आपको फ्लैश मिलती है और उसके बाद सामने की तरफ नॉच और उसमें भी आपको सामने की तरफ सेंसर्स और कैमरा वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे फोन में राइट में एक अच्छी चीज आपको मिल जाती है, इस तरफ आपको ये जो वो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो आप देखेंगे मैंने इसको रजिस्टर किया था, खाली मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो खुल जाता है, बहुत ही फास्ट है। मैं यहाँ पे टच किया, आप देखेंगे खुल गया, देखेंगे मैंने टच किया और खुल गया, फिर से एक बार टच किया, बराबर से लगाना है, खुल गया, फिर से एक बार देखेंगे टच किया, खुल गया, बहुत ही फास्ट आपको मिल जाता है। और यहाँ पे इसके अगर हम सेटिंग्स में जाके दिखा रहे तो आपको, तो अबाउट में सिस्टम में जाते हैं हम यहाँ पे और अबाउट में जाएंगे तो A4 लिखा गया है और 8.1.0 आपको मिलता है। एक वायरलेस अपडेट मुझे आया था, सिक्योरिटी अपडेट, जिसने कुछ वगैरह फिक्स कर दिया था। स्टोरेज में देखेंगे 16GB की है, कुछ आपको इतना ज़्यादा यूज़ दिखा रहा है, और बाकी का रैम वगैरह आपको मिलता है। बैटरी मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि टेलीफोन की बैटरी और कैमरा बहुत ही गंदा होता है, ऐसे मैंने यहाँ पे फीडबैक देखा था। तो ये कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। इंटरफेस भी देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है, ज़्यादा ब्लोटवेस नहीं, लेकिन गूगल के काफी सारे एप्लीकेशन आपको उसमें जो वो देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ फोन आपको इस तरीके का मिलता है। और कैमरे के सैंपल्स अगर आप देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो कुछ इस तरीके के इसने जो वो पिक्चर क्लिक किया है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है जिस तरीके का इसने बोला है। तो कैमरे में थोड़ा इंप्रूवमेंट्स करना चाहिए, फेक लगता है मुझे, क्योंकि कैमरा अगर अच्छा देती है कंपनीज तो फिर मुझे लगता नहीं कि आप लोग को भी परचेस करने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो चलता है। पर कैमरा बहुत ही अजीब सा मुझे यहाँ पर लग रहा है, तो मजा नहीं फिर इस फोन में। और नॉच आप देखेंगे यहाँ पे, ये नॉच है बड़ा अजीब सा दिया, ये देखेंगे इस तरीके का जो डिजाइन दे दिया है। एक्चुअली मैं अगर ये स्पेस को कवर ही कर देता और फुल डिस्प्ले दे देता तो अच्छा रहता था, लेकिन अगर नॉच थोड़ी छोटी कर देता तो और भी अच्छा रहता, तो इस प्राइस में मजा आता था कि हाँ छोटी नॉच वाला आपको फोन मिल रहा है। बस ये कुछ इस तरीके का आपको फोन मिलता है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले भी सही है नॉच को हटा के, बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको यहाँ पे दे दिया है, डिजाइन अच्छा है। आपको यहाँ पे इसके अंदर एक प्रोसेसर मिलता है जो डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, बस और कुछ खास नहीं। तो ये कुछ चाइनीज फोन आ जाते हैं जो बजट बोल के आते हैं, कुछ फीचर्स दे देते हैं प्रीमियम जैसे, लेकिन उतना मजा नहीं आता जितना हमें आना चाहिए। तो इंडिया में आपको इससे काफी बेटर क्वालिटी के फोन भी जो वो देखने को मिल जाते हैं, इससे अच्छी चीज आपको मिल जाती है। लेकिन जो भी है हमारी ओपिनियन तो आपको देना ही है,
तो जो फेयर ओपिनियन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के अंदर। एलिफोन A4 रिसेंटली यहाँ पे लेटेस्ट फोन है जो लॉन्च हुआ था, तो मैंने सोचा उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे बता दूं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे थे इस फोन को परचेस करने की तो फिलहाल के लिए मत करिए, क्योंकि ये फोन कुछ वर्थ नहीं है जो है, ऑनेस्टली मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप मुझे अपने कमेंट करके राय बताएं कि आपको क्या लगता है, और उम्मीद करते हैं कि इंडिया में भी अच्छे अगर बजट फोन आते हैं नॉच के साथ में, अच्छी चीजें देता है, कैमरा रियलिटी में अगर दे देता है तो मेरे हिसाब से कोई भी बुरी बात नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।